तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा माइटी। तो गाइज, आज की ये वाली वीडियो काफी शॉर्ट होने वाली है, तो चलिए पहले अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है बीस्ट बॉय सुप के बारे में। तो गाइज, आप सभी को तो पता ही होगा कि बीस्ट बॉय सुप काफी दिनों से यूट्यूब एंड सोशल मीडिया पे इनएक्टिव है। तो गाइज, आपको शायद पता होगा कि उनकी सिस्टर का भी एक चैनल है हिमानी नाम से, तो उसी चैनल के कम्युनिटी में उन्होंने बताया कि उनके फादर की अभी में डेथ हो चुकी है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि बीस्ट बॉय सुप के फादर की डेथ हुई है। तो इसी चीज को लेकर बीस्ट बॉय सुप ने अपने ट्विटर पे कल एक ट्वीट किया जिसमें ये लिखा था कि आई केम हियर टू क्लियर ए मिसअंडरस्टैंडिंग पीपल हैव अबाउट द डेथ हैपेंड रिसेंटली इन माय फैमिली। इट्स नॉट माय फादर हु पास्ड अवे, इट्स माय अंकल ताऊ जी। इट्स नोबडी फॉल्ट फॉर द कंफ्यूजन, आई जस्ट नेवर मेंशनड इट एनीवेयर। एंड इसके बाद उन्होंने कुछ ये लिखा, आई नो यू गाइज आर वेटिंग, ट्रस्ट मी आई एम मिसिंग यूट्यूब एज वेल, डोंट वरी आई सर्टेनली डिड नॉट क्विट, आई विल बी अवे फॉर जस्ट ए लिटिल मोर टाइम, आई अप्रिशिएट ऑल दोस केयरिंग मैसेजेस ट्वीट्स एंड मेल्स यू सेंट मी, आई विल बी बैक सून प्रॉमिस। तो गाइस, बीस्ट बॉय सुप बहुत ही जल्दी सोशल मीडिया पे एक्टिव होने वाले हैं। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है मिस्टर फैसू के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग टिकटॉकर मिस्टर फैसू को तो जानते ही होंगे। तो गाइस, कल रात में क्या हुआ कि मिस्टर फैसू को अरेस्ट कर लिया गया। अब यहाँ पे हुआ ये कि मिस्टर फैसू एंड उनके कुछ फ्रेंड्स थे, वो अपनी बीएमडब्ल्यू में बहुत ही तेज गाड़ी चला रहे थे एंड मिस्टर फैसू से एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया। तो आइए पहले मैं आपको वीडियो का पार्ट दिखा दे रहा हूँ जहाँ पे मिस्टर फैसू को अरेस्ट किया गया। गेट हमारा टूट गया है, एक बीएमडब्ल्यू गाड़ी ने ठोका है यहाँ पे आके, गेट क्रैक हो गया यहाँ से पूरा, ये पिलर क्रैक हो गया है, ऐसा बुरा ठोका है कि गेट गिर गया है हमारा, एकदम झुक गया है। ये देखिए, वॉचमैन मरते मरते बचा है, ये चार छः यहाँ बच्चे खेल रहे थे या मरते मरते लोग बचे हैं लोग। अब वो उसमें से फैजू एक नाम का लड़का था जो टीम 07 का है, और भी थी गैंग थे हाथ में, सब भाग गए। तो गाइस, सारे टिकटॉकर्स धीरे धीरे अरेस्ट होते जा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है फुकरा इंसान के बारे में। तो गाइस, फुकरा इंसान जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तब वहाँ पे उन्होंने बताया कि उन्होंने जो हाइड एंड सीक वाला इवेंट रखा था उसमें कितने पैसे खर्च हुए एंड उनका जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है जिसमें स्क्विड गेम इन रियल लाइफ होगा उसका प्राइस भी उन्होंने बताया कि कितना खर्चा हो सकता है। तो आइए उस लाइव स्ट्रीम से वो वाला पार्ट मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। स्क्विड गेम्स की वीडियो की बात कर रहे थे। हाँ गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा स्क्विड गेम्स इन रियल लाइफ विद सब्सक्राइबर्स करने का मन है। आई डोंट वांट टू डू इट कि मैं घर पे चार बंदों के साथ कर रहा हूँ। सो आई वांट टू मेक अ बिग वीडियो ऑन स्क्विड गेम्स, तो वो अभी मैं पॉसिबल इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि गाइस टू बी ऑनेस्ट बहुत पैसा लगता है। इवन लाइक मैं आपको बताता हूँ, जो हमने हाइड एंड सीक वीडियो बनाई है उसका इन ऑल टोटल कॉस्ट लाइक 2 लाख रुपए हमने प्राइज मनी दिया, 2 लाख रुपए और प्रोडक्शन में विद एवरीथिंग उसमें लगा है जगह बुक करने के लिए। सो दैट इज़ वन ऑफ माय बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स। तो हाइड एंड सीक जैसा प्रोजेक्ट आई डोंट थिंक सो यूट्यूब में भी अभी तक किसी ने करा है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी डिड समथिंग वेरी डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स। लाइक लिटरली देर वर 20 कैमराज उस इवेंट में, 20 कैमराज वर्क कर रहे थे, 1 टेराबाइट का डाटा बनाया। तो आप एक बार इमेजिन करो किस स्केल पे उस वीडियो को बनाया है। उस वीडियो को एडिट करने में अभी तक कम से कम हमें 7 दिन तो लग चुके हैं, 7 डेज बैक टू बैक 12 आवर्स चल रहे हैं उस पे, एडिटर्स बैठे हुए हैं एंड स्टिल वी आर नॉट एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट। आप उस प्रोजेक्ट के बारे में आप सोच भी नहीं सकते वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। बट सून वो 6th-7th November के करीब आपके पास आ जाएगा एंड यू गाइज आर गोना लव इट, दैट इज गोना बी माई प्रोमिस 100%। बाकी स्क्विड गेम्स का प्रोजेक्ट अगर हम करेंगे तो आप लगा लो उसमें कम से कम हमें 5 से 10 लाख रुपये खर्चा है एंड टू बी ऑनेस्ट दैट इज समथिंग वे बियॉन्ड आर बजट। मतलब हमारा बजट भी नहीं है इतना, तो ऑब्वियसली हम कुछ प्लान कर रहे हैं, मे बी वी गेट गुड स्पॉन्सर्स कुछ भी हो, तो लेट्स सी कैसा होता है कैसा जाता है। तो गाइस चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है कल का लौंडा के बारे में। तो गाइस उन्होंने अपने ट्विटर पे ट्वीट करके ये बताया कि बस 3 वीडियो एंड आई विल बी हैप्पीली लिविंग यूट्यूब। मतलब कि वो अपने चैनल पे 3 वीडियो डालने के बाद यूट्यूब को छोड़ देंगे एंड ऐसा वो क्यों कर रहे हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज की वीडियो में तो बस इतना ही अपडेट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड अगर आपके पास भी कोई अपडेट आती है तो आप उसे मुझे न्यूज समिशन में भेज सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।